कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बड़ी ही सुखद खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत हासिल कर लिया है, जिसके चलते अम्बाला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश नजर आ रहा है। अम्बाला में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमकर ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए, वहीं जीत की खुशी में जनता को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस द्वारा बजरंग दल को बैन करने के ऐलान पर जमकर सियासत गरमाई, तो वहीं आज अम्बाला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि आज प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया और ये प्रार्थना की है कि जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, उसी तरह देश के हर हिस्से में जीत मिले। वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि अब झोला उठाकर जाने की राजनीति शुरू हो गई है। भारत को, हरियाणा को, अम्बाला को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये जो झोला उठाकर जाने की राजनीति थी वो शुरुआत हो चुकी है। अब ये देखना है कि 2024 में जब हमारी सरकार आएगी उसके बाद उस झोले में से क्या क्या निकलता है। उस झोले में से सबसे पहले निकलेगी CBI, ED, उसके बाद नंबर आएगा अंबानी अडानी का, उसके बाद नंबर आएगा उन फर्जी डिग्रियों का जो उस झोले में अभी भी पड़ी हुई है, और वो झोला छाप राजनीति अब खत्म होती जा रही है। और उसके सहारे, उस झोला छाप राजनीति में उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म को भी बीच में लाने की कोशिश की, और ये कर्नाटका का जो रिजल्ट आज आया है उस राजनीति के ऊपर करारा जवाब है कि जो लोग धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं उनको आने वाले समय में इस तरह से ही जवाब मिलेगा। 2024 में जो है हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। देखिए, कर्नाटक की जनता ने एक पूरे देश को एक राह दिखाई। कर्नाटक के अंदर एक कुशासन, दबे हुए लोगों का जो शासन था, जो लोगों को दबाने का शासन था, आज उससे निजात कांग्रेस पार्टी के रूप में वहां आई है। और मैं कर्नाटक की जनता को सलाम करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा जनादेश देकर एक पूरे देश के अंदर एक नई सरकार का सृजन किया है, और आने वाले समय में और जगह भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनेंगी। और आज हम बजरंग बली के यहाँ मंदिर में आकर, प्राचीन अम्बाला का बजरंग बली का मंदिर है, यहाँ आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी ने लिया और समूची अम्बाला कांग्रेस ने मिलकर यहाँ खुशी का इजहार किया। कांग्रेस, आपने अभी देखा ही है कि किस प्रकार से यहाँ लोगों में जोश है, और इस आज लड्डू बांटकर, और सबसे बड़ी बात एक जो मुझे आज अच्छी बात लगी कि जनता ने हमें साथ आकर, जनता ने इस खुशी को जो बांटा है उसके लिए मैं अम्बाला की जनता को भी धन्यवाद करता हूँ कि इस खुशी में वो हमारे साथ शरीक हुए।